हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं चमकी बुखार, जिसे जापानी बुखार या दिमागी बुखार के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों, एक्चुअली में पूरे वर्ल्ड में बहुत सारे लोग इसकी चपेट में आकर, बच्चे खास करके जिनकी की मौत हो जा रही है इस बीमारी की वजह से, और सही टाइम पर उन्हें इलाज नहीं मिल पा रहा, तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैं विवेक कुमार स्वागत करता हूँ आपका अपने YouTube चैनल इनोवेशन लेबोरेटरी में। दोस्तों, इससे पहले कि हम लोग चर्चा करें, टॉपिक पर आए, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, हमेशा की तरह आप अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप पुराने हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो का बेनिफिट उठा सकें। सब्सक्राइब एंड प्रेस वेल आइकॉन। दोस्तों, अब हम लोग बात स्टार्ट करते हैं चमकी बुखार के बारे में, या दिमागी बुखार या जापानी बुखार के बारे में। अब हम लोग डिस्कशन स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों, चमकी बुखार जो है वो एक्चुअली में, जब ब्रेन, बच्चे का ब्रेन या इंसान जिसे भी चमकी बुखार होता है, उसका ब्रेन जब बहुत ज़्यादा गर्म होकर लगभग जलने के कंडीशन में आ जाता है, तो मतलब कि जो अत्यधिक हीट होता है ब्रेन सेल्स, उस कंडीशंस को चमकी बुखार बोलते हैं। और ये सिचुएशन ऐसा होता है कि इसमें बच्चे, ज़्यादातर बच्चे सही टाइम पर इलाज नहीं होने की वजह से मर जाते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है। इसका जो सिम्टम्स है, इसके कारण जो है, वो ऐसे स्थितियाँ जो कि ब्रेन को इफेक्ट करते हैं, जो ऐसे चिकित्सीय कंडीशन या मेडिकल कंडीशन जो कि ब्रेन को प्रभावित करते हैं, वो इसके कारण हो सकते हैं। और ये ज़्यादातर होता है आपको वायरस के वजह से, बैक्टीरिया के वजह से, कीटनाशक या केमिकल्स आप कह सकते हैं, वो भी इसके कारण होते हैं। जो वायरस है वो हर्ब्स है, इंट्रोवायरस है, वेस्ट नाइल है, जापानी इंसेफलाइटिस है, एस्टर्न इक्वाइन है, टिकबॉर्न है, ये सभी वायरस इसके कारण है। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे दोस्तों सिर्फ चमकी बुखार के बारे में, और लीची के बारे में बात करेंगे कि लीची से चमकी बुखार का होना कितना सच है। चमकी बुखार जो है वो एक मतलब कि इन्फेक्शन कंडीशन है, जो इसमें क्या होता है कि शरीर बहुत ज़्यादा ब्रेन गर्म हो जाता है, और इस कंडीशन में जो होता है, सिर दर्द होने लगता है, बहुत ज़्यादा मतलब कि वोमिटिंग होने लगता है, बुखार बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, शरीर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, दिमाग नर्वस होता है, कन्फ्यूजन होता है, लोग बेहोश हो सकते हैं, उनको मिर्गी भी आ सकती है, ये सभी इसके कंडीशंस हैं। शरीर सुन्न हो जाता है। जापानी बुखार जो है वो बहुत सारा न्यूरोलॉजिकल डिजीज है, और एशिया में बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। लगभग 3 बिलियन पीपल, 3 बिलियन, मिलियन नहीं, 3 बिलियन की बात कर रहा हूँ, लगभग 1 करोड़ का एक, 10 लाख का 1 मिलियन होता है, और 1 करोड़ का 1 बिलियन होता है, तो 3 करोड़ पीपल, ठीक है, ऐसे जगह पर रहते हैं जहाँ पर जी, यानी कि जापानी बुखार जो होता है वो ट्रांसमिटेड होता है, यहाँ पर ज़्यादा चांसेस होता है ट्रांसमिट होने का। और 50,000 केसेस जो है हर साल WHO रिपोर्ट करती है इसकी, जापानी बुखार की। 10,000 से 15,000 डेथ हर साल रिपोर्ट होते हैं जापानी बुखार के वजह से। ये जो होता है आपको ज़्यादातर जो स्प्रेड होता है, ये सुअर से होता है, पक्षियों से होता है, उसके बाद आपको मच्छर काटने से होता है, और जानवरों और इंसानों में भी फैलता है जापानी बुखार। और ज़्यादातर इफ़ेक्ट जो करता है ये आपको 15 साल से छोटे बच्चों को इफ़ेक्ट करता है। ज़्यादातर आप पेपर में भी पढ़ते होंगे कि 10 साल के बच्चों को जापानी बुखार ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रहा है, तो ये सच है कि ये 15 साल से छोटे बच्चों को ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है।
लेकिन ये किसी भी एज के पीपल को हो सकता है, कोई ज़रूरत नहीं है, ज़रूरी नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं है कि ये सिर्फ बच्चों को ही होगा। जो एडल्ट को यानी कि वयस्क आदमियों को जो ये बीमारी होती है, जे जापानी बुखार जब होता है या चमकी बुखार जो होता है, वो ऐसे जगहों पर होता है जहाँ पर ये डिजीज नया नया फैलना शुरू हुआ है। ये जो एरिया है यहाँ पर आपको दो इमेज है, एक इमेज में आपका जो है वो कितना रिस्क है, जापानी बुखार का रिस्क कितना है, जिसमें इंडिया का सिर्फ टॉप छोटा सा पार्ट जहाँ पर मैं माउस मूव कर रहा हूँ उसे छोड़कर लगभग पूरा पार्ट में दिख रहा है, और शायद वर्ल्ड का भी बहुत सारा पार्ट है जिसमें जापानी बुखार के ज़्यादा रिस्क हैं, और जो इफेक्टेड एरिया है जहाँ ज़्यादा ट्रांसमिट होते हैं उसमें भी आप देख सकते हैं कि इंडिया में सिर्फ नॉर्थ वेस्टर्न को छोड़कर, कुछ पार्ट को छोड़कर लगभग पूरे इंडिया में ये है आपको फैला हुआ है। ईस्टर्न में भी कुछ छोटे से पार्ट जो कि नेगलेक्ट किए जा सकते हैं, और बाकी अदर कंट्रीज में भी ये बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। इसमें क्या होता है कि आपका ब्रेन जो है वो काम करना लगभग बंद कर देता है, ब्रेन काम करना बंद कर देता है मतलब कि आप कॉन्शियस नहीं रहते हैं, आप आल्सो इफ अ पर्सन हैज वायरस दैट डज नॉट मीन दैट ही और सी विल डेवलप और वायरस भी अगर है तो ज़रूरी नहीं है कि बुखार आपको हो ही जाए या ना हो, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। ट्रीटमेंट जो अवेलेबल है इसके लिए आपको जो है हॉस्पिटल्स में आईसीयूज हैं जो कि तुरंत केयर करते हैं, इंटेंसिव केयर यूनिट, ठीक है, तो ये मतलब कि आईसीयू में जाने से तुरंत इमरजेंसी में इलाज मिलता है, तो जो मिसहैप होता है मतलब कि मृत्यु की जो चांस होते हैं वो थोड़ा कम हो जाता है। लेकिन चूंकि बीमारी हॉस्पिटल पहुंचता ही बहुत देर के बाद है इस वजह से मृत्यु ज़्यादा होती है, लेकिन अगर सही टाइम पर ट्रीटमेंट मिले तो बच्चों को या जो भी इसकी चपेट में है उनको बचाया जा सकता है। एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग दिया जा सकता है, ठीक है, उसके बाद आपको नेप्रोक्सन सोडियम दिया जा सकता है ताकि सर दर्द या शरीर टेम्परेचर जो है वो एकाएक डाउन हो, उसके बाद आपको एंटीवायरल ड्रग दिया जा सकता है, उसके बाद लेकिन हाँ एंटीवायरल ड्रग देने के बावजूद भी ये ज़रूर कहा जाएगा कि जितनी जल्दी हो सके, जितनी जल्दी का मतलब जितनी जल्दी हो सके अफेक्टेड पर्संस को या बच्चे को आप नज़दीक के हॉस्पिटल में जहाँ की केयर अवेलेबल हो जल्द से जल्द पहुँचाए, तो उसके मौत की चांस लगभग कम हो जाती है, बहुत हद तक कम हो जाती है, लेकिन फिर भी एक चांस होता है कि उन्हें बचाया जा सकता है। कंट्रोल करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, तो सबसे पहले तो मस्कीटो कंट्रोल करना पड़ेगा, मच्छर का कंट्रोल करना पड़ेगा, सुअर जो होता है उसको कंट्रोल करना पड़ेगा, और ह्यूमन इंटरवेंशंस आदमी को भी बचना पड़ेगा एक दूसरे को, इसके वायरस को मतलब कि फैलने से आदमी को खुद रोकना पड़ेगा। उसके बाद मच्छर के लिए जो है आपको स्प्रे कर सकते हैं जो मस्कीटो किलर्स हैं या ऐसे चीज़ जो मच्छर को ख़त्म करते हैं, ऐसे चीज़ों को आप ये स्प्रे कर सकते हैं जहाँ पर मच्छर होने की संभावना है, पानी को जमा ना होने दे वगैरह जो नॉर्मल है आप उसको यूज कर सकते हैं मच्छर को रोकने के लिए, मच्छर को होने से रोकने के लिए। उसके बाद मच्छरदानी का इस्तेमाल कर सकते हैं, बेड नेट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा सॉल्यूशन नहीं है, लेकिन फिर भी आपको ये काफ़ी हद तक सेव करेगा। उसके बाद शुगर को जो है आप लेकिन कोशिश कर सकते हैं कि उसे अपने एरिया में ना बढ़ने दें। अदर एनिमल्स लाइक बर्ड्स आल्सो में एक्ट एज एम्पलीफाइंग होस्ट, सो इवन इफ पिग्स आर एलिमिनेटेड
सिर्फ सुअर को अगर आप मार देते हैं, जो कि पॉसिबल लगभग नहीं है, लेकिन क्योंकि बहुत सारे लोग सुअर का पैसा ही होता है, सुअर को पालना, उसका मीट बेचना वगैरह, उनके चमड़े को बेचना, तो ये कोई सॉल्यूशन नहीं है, लेकिन कोशिश हम कर सकते हैं कि सुअर को अपने आसपास ना रहने दें। दूसरा चीज़ है, अगर सुअर नहीं भी रहेंगे तो जैसे चिड़ियाँ हैं, बर्ड्स हैं, और ये सब भी इसके ट्रांसमिशन के कारण हो सकते हैं, तो ये कोई जरूरी नहीं है कि सुअर ना हो तो चमकी बुखार ख़त्म हो जाएगा। वैक्सीनेशन कर सकते हैं, और वैक्सीनेशन जितनी जल्दी हो सके हम ले सकते हैं। लगभग सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में इसके वैक्सीन अवेलेबल हो सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि होंगे ही, लेकिन जहां तक उम्मीद है कि गवर्नमेंट ने अवेलेबल करवाया होगा, तो आप जितनी जल्दी हो सके वैक्सीनेशन ले सकते हैं, तो आपको शायद चमकी बुखार से बचाव हो, और मतलब कि आप एक हद तक आप सेफ रहे, आपके परिवार सेफ रहे। इसके जो वैक्सीन्स हैं वो अभी मतलब कि ओपन मार्केट में उतने फ्रीक्वेंटली अवेलेबल नहीं है, और अवेलेबल भी तो काफ़ी महंगे हैं, तो आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल से कम रेट पर जेनरिक नहीं, मतलब कि इसके जो वैक्सीन्स हैं वो आप ले सकते हैं। अभी फ्री ऑफ कॉस्ट गवर्नमेंट प्रोवाइड करवा रही है काफ़ी जगहों पर, और इंडिया में भी वैक्सीन्स अवेलेबल है। जो वैक्सीन्स हैं JEEV फ्रॉम BE इंडिया, बी जो है वो मैन्युफैक्चरर है, उसके बाद JENVSE ये भारत बायोटेक बनाती है, और एक IXIARO ये जो है वेलनेवा ऑस्ट्रेलिया की कंपनी है वो बनाती है। तो ये तीन वैक्सीन अवेलेबल हैं इंडिया में। एक रियल फैक्ट है जो कहा जा रहा है कि लीची खाने से, खाली पेट में लीची खाने से भी चमकी बुखार होता है, तो एक्चुअली में होता क्या है कि लीची खाने से चमकी बुखार नहीं होता, लेकिन एक कंडीशंस ऐसा मतलब कि जनरेट हो जाता है जो लगता है कि ये भी चमकी बुखार का ही लक्षण है। इसमें भी मतलब कि एकाएक शुगर काफ़ी डाउन हो जाता है, बुखार बढ़ जाता है, उसके बाद उल्टियां होने लगती है, लेकिन ये चमकी बुखार नहीं है, लेकिन सिम्टम्स जो है वो काफ़ी हद तक चमकी बुखार का ही है, और वही सेम ट्रीटमेंट भी शायद चले, इसमें भी मतलब कि बच्चे की मौत हो सकती है या कोमा में जा सकता है, अनकॉन्शियस हो सकता है, और इसमें भी मेंटल स्टेट्स जो है वो काफ़ी डिस्टर्ब हो जाता है, मतलब कि बच्चे को कॉन्शियसनेस नहीं रहता है। और इसका जो कारण है वो लीची का बीज जो होता है वो सडनली ब्लड शुगर को काफ़ी कम कर देता है। इसमें आप पढ़ सकते हैं, रिसर्चर्स हुई 390 चिल्ड्रन को दिया लीची खाने के लिए, और 2014 की बात है मुजफ्फरपुर में, और सेड दैट लीची कंटेंट्स हाइपोग्लाइसिन एमिनो एसिड दैट कैन डिसरप्ट मेटाबॉलिज्म लोअरिंग ब्लड शुगर लेवल्स, मतलब कि ब्लड शुगर को काफ़ी कम कर देता है, डेट कैन ट्रिगर टू हाइपोग्लाइसेमिनिया एंड इट एक्सट्रीम केसेस डेथ, मतलब कि इसका जो मैक्सिमम केस हो सकता है वो मृत्यु हो सकती है। उसके बाद एक इंडिया का है नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड US सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन, इन लोगों ने जब इसके बारे में रिसर्च किया तो ग्लूकोज काफ़ी कम हो जाता है, तो इट टर्न्स टू अदर सोर्सेस ऑफ एनर्जी विच आर रैपिडली डिप्लेटेड इवेंचुअली पुशिंग पीपल इनटू कोमा, मतलब कि कोमा में जा सकते हैं, जो इससे इफेक्टेड है वो कोमा में भी जा सकते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग यहीं तक हैं, अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय। और दोस्तों हमारे वीडियो को जहाँ तक संभव हो प्लीज़ 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 ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और कमेंट करके आप ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है, और हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब एंड प्रेस बेल आइकॉन। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक, धन्यवाद, हम फिर मिलेंगे
अगले वीडियो में।